हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं 2023 मॉडल रिबॉन, इसका हुआ था एक्सीडेंट। देख सकते हैं आप मडगार्ड में और इंजन में जगह ही नहीं बची है इसके, देख सकते हैं आप। और इसका हो गया है चेचिस बेंड, ये मेरी उंगली के यहाँ पर देख सकते हैं आप, पाइप अंदर दिखता है और यहाँ से भी ऊपर से भी इसका चेचिस बेंड हुआ है, देख सकते हैं आप। यहाँ से भी इसका चेचिस जो है सल खा चुका है मेरी उंगली के, वहाँ देखें आप, और ये ऊपर से बेंड हो चुका है। ये पिछला हिस्सा देखें आप, एकदम स्ट्रेट है और आगे जाके इसका हिस्सा जो हल्का सा थोड़ा झुका हुआ है। और यहाँ से देखेंगे डबल पाइप है, दोनों पाइप बेंड हो चुके हैं। मडगार्ड अंदर घुसने से, ये चुमटा बेंड होने से मडगार्ड में भी डेंट आ चुका है, देख सकते हैं आप। ऊपर तक के चेचिस के पाइप का निशान है इस पर। तो इसका जो चुमटा भी बेंड है और पहिया भी बेंड है, हैंडल भी बेंड है। तो इसको काफ़ी कंपनी ने इसका चेचिस फ्रेम जो है बहुत हल्की दी है, ये देख सकते हैं आप। इधर से भी ये जो चेचिस है, मेरी उंगली के इशारे से बताता हूँ मैं आपको, ये यहाँ देख सकते हैं आप कि यहाँ से भी सल खा गया है और झुक गया, और इधर वाला पाइप भी बेंड हो चुका है इसका। कुल मिला के इसका चुमटा भी बेंड हुआ है, चेचिस भी बेंड हुआ है, और हैंडल भी बेंड हुआ है, और पहिया भी बेंड हुआ है, और मडगार्ड में भी डेंट आ गए हैं। तो फटाफट से हमने इसको खोल लिया और सब सामान लेते पे हमने इसका पहिए का अलाइनमेंट करवाया है सबसे पहले। फिर हमने इसका हैंडल का अलाइनमेंट करवाया, हैंडल सीधा हो गया। फिर हमने फ्रंट फोर्क चुमटा जिसे बोलते हैं, इसका भी अलाइनमेंट करवाया। ये मडगार्ड की डेंटिंग करवा ली पूरी पूरी, इसकी मडगार्ड की लोहारी हो गई। और अब चेचिस आप देख सकते हैं कि ये चेचिस है, ऐसा रहता है सीधा, ये चेचिस पूरा सीधा हो चुका है। और यहाँ से जो पाइप पहले तिरछे दिख रहे थे, ये भी एकदम स्ट्रेट सीधे दिख रहे हैं। तो ज़रा सी टकराई थी ये गाड़ी, इसके लिए इतना खोलना पड़ा, ये देख सकते हैं आप। इसका इंजन रखा हुआ है, नई गाड़ी है, 2023 मॉडल है। और इधर देख सकते हैं आप, 2014 मॉडल क्लासिक की सर्विसिंग हो रही है। सर्विसिंग कुछ इस प्रकार से हो रही है कि पहिए के बैरिंग वगैरह सारा सामान निकल के खुल के वॉश हुआ है। अब इसमें नए तरीके से ऑयल ग्रीसिंग होगा, बैरिंगों में ग्रीस भराएगा, चेन तक के हम निकाल के वॉश करते हैं। और इधर जो है 2009 मॉडल इलेक्ट्रा में छोटा मोटा काम हो रहा है, लेग गार्ड वायरिंग लूम वगैरह का। तो फिलहाल अपन तो अपनी गाड़ी पे इस पर फोकस करते हैं। ये गाड़ी कंप्लीट होने के बाद देख सकते हैं आप कि इसके मडगार्ड में और इंजन में कितनी जगह है, इसका पहिया कितना आगे आ चुका है अब जो ओरिजिनल पोजीशन पे रहता है। कि लेग गार्ड भी लग गया तो भी गेप दिख रही, पहले लेग गार्ड लगने की जगह ही नहीं थी। ये क्लाइंट ने मुझे जहाँ खड़ी थी गाड़ी, जहाँ एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ बुलाया था, तो मैं चला कर ला रहा था। दो बार तो गिरते गिरते बचा क्योंकि इसका हैंडल नहीं मुड़ रहा था, तो लेग गार्ड में टच हो रहा था इसका जो है मडगार्ड। तो अब आप देख सकते हैं, हमने इसको पूरी कंप्लीट करके वॉशिंग वगैरह सब कुछ करवा के, देख सकते हैं आप गाड़ी पूरी कंप्लीट कर दी है। तो भाई गाड़ी बिल्कुल धीरे चलाएं, स्लो चलाएं। गाड़ी 10 बार बन जाती है, पर अगर इंसान को कुछ हो जाता है तो इंसान नहीं बन पाता है। बाद में बहुत अखरती है कि यार इतनी तेज़ ना चलाई होती तो ऐसा नहीं होता, एक्सीडेंट ना होता तो लगती नहीं। तो गाड़ी सेफ चलाएं, आराम से चलाएं। तो फाइनली ये गाड़ी पूरी ओरिजिनल कंडीशन पे आ चुकी है। अब मैं आपको इसका साउंड भी सुना दूंगा स्टार्ट करके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, धन्यवाद। महाराष्ट्र में गाड़ी कितना कितना वेट संभाल लेंगे?